तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में कमाल का एक नया अपडेट आया है, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में कमाल का एक नया फीचर एड ऑन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आप उसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो क्या ये नया फीचर है, कहाँ मिलने वाला है और कौन सी ऐप में ये अपडेट आया है जिसमें ये नया फीचर एड ऑन किया गया है, सब मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि ने बताया, मैं आपको कमाल का नए फीचर के बारे में बताना जो कि अभी रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी में रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों ये फीचर ये है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा अभी पिछले टाइम गुडलक में एक ऐप लॉन्च हुई थी जिसके अंदर आप बैक टैप के थ्रू आप यहां पर उसको मेंटेन कर सकते। जैसा कि मैंने अभी बैक टैप के थ्रू यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया है, ऐसे आप यहां पर 2, 4, 5, 6, 7 टास्क वहां पर कर सकते थे जो कि वहां पर दिए हुए। अब उसी ऐप के अंदर एक नया अपडेट आया और कमाल का नया फीचर एड ऑन कर दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ जाना है गैलेक्सी स्टोर में, या आप चाहे गुडलक ऐप में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नया अपडेट यहाँ पर अलाउड किया गया है, जिसके अंदर क्या नया फीचर एड ऑन किया गया है, प्रोवाइड बैक टैप एक्शन फीचर एज मोड्स एंड रूटीन एक्शन। मतलब कि आप बैक टैप एक्शन के से रूटीन और मोड्स में भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे वो आगे आपको बताने वाला हूँ। और आप नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 11 मई को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 30.88 MB का और वर्जन नंबर है 1.039। उसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका फीचर यूज करके बताता हूँ। थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। आप देखेंगे जैसे कि इसमें एक नया फीचर जो दिया गया था, यह है प्रोवाइड बैक टैप एक्शन फीचर एज मोड एंड रूटीन एक्शन। मतलब कि अब आप बैक टैप एक्शन को ऑन या ऑफ कर पाएंगे मोड्स के द्वारा, मतलब रूटीन्स में जाके आप सेट कर सकते हैं कि बैक टैप ऑन और ऑफ हो जाए। तो कैसे ये वर्क करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इनेबल कर रखा है, मैं 1, 1, 2 करूँगा, 1, 2, 3 करूँगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्रिपल टैप में स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है और ये काम कर रहा है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं बैक टैप यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रहा है। अब नए सेटिंग में क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर आपको सेट करना हो तो आपको जाना है यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मोड्स एंड रूटीन्स में। मोड एंड रूटीन्स में जाने के बाद यहाँ पर रूटीन्स में चले जाना है। रूटीन्स में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है प्लस वाले एक्शन पे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन मतलब कि जब आप कोई ऐसा एक्शन करें उस टाइम पे वो वहाँ पर बैक टैप एक्शन ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए। लाइक आपने कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना है कि इस जगह पे हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और यहाँ से हट जाते ही वो ऑफ हो जाए, या पर्टिकुलर टाइम पे ऑन ऑफ या ऑफ हो जाए, स्लीपिंग पे, या आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको जोन सा भी यहाँ पर एक्टिवेट करना है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं आपको अभी फिलहाल करके बताऊँ, आप यहाँ पर सबसे अच्छा जो फीचर है इसमें गेम इज बीइंग प्लेड पे आप इसको कर सकते हैं कि जब भी आप गेम खेलें वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाए। अभी मैं आपको एक कंटिन्यू करके बता रहा हूँ। जैसा कि ऐप ओपन पे जाएंगे, ऐप ओपन पे जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ऐप को खुलते ही वो बंद हो जाए फीचर। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया फोन डायलर करके, कि जैसे ही मैं फोन डायलर ऐप खोलूँ और वो बैक टैप वाला फीचर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। आपने यहाँ पर डन कर लिया। डन करने के बाद आपको यहाँ पर देन कंडीशन में जाना है। यहाँ पर आपको जाने के नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है गुड लॉक का मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा, आपको उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा बैक टैप एक्शन का, आप देख सकते हैं रजिस्टर का, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब क्या हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ हो जाए, क्योंकि ऑन तो है ही और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और आपने इसको डन कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं होम उससे पहले हूँ तो अभी मैं टैप कर रहा हूँ 1, 2, 3 और ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 अभी देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। मैंने 3 बार क्लिक करा और ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया है। और ऐसे ही अगर अब मैं फोन डायलर में ऐप को खोलूंगा, अब मैं फोन डायलर में कहीं भी हूँ, अब वो वहां पर मैं कितनी बार भी टैप करते रहूंगा वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑफ हो चुका है। आप ऊपर देखेंगे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसमें लिखा भी रहेगा कि ये हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया है, और जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा फिर वो काम करना चालू कर देगा। आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी आ गया है अब उसने वर्क करना चालू कर दिया है। आप देख रहे हैं तो ये फीचर भी रिसेंटली नया करा गया है, क्योंकि बैक टैप वाला फीचर तो बहुत अच्छा है, बट कहीं कहीं किसी किसी ऐप में वो ज़्यादा दिक्कत देता है, चाहे गेम खेलते टाइम या कुछ ऐसी ऐप हो जिसमें टच ज़्यादा करना हो वहाँ प्रॉब्लम देता है। तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे रूटीन्स को तो आप उसका अच्छे से मजा ले पाएंगे। और एक्चुअल में रजिस्टर ऐप कैसे काम करती है अगर आपको सीखना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी जिसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, जाके आप जरूर देखिएगा। तो थैंक यू।
तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में कमाल का एक नया अपडेट आया है, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में कमाल का एक नया फीचर एड ऑन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आप उसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो क्या ये नया फीचर है, कहाँ मिलने वाला है और कौन सी ऐप में ये अपडेट आया है जिसमें ये नया फीचर एड ऑन किया गया है, सब मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।